आदिवासी शब्द दो शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है और इसका मूल अर्थ होता है मूल निवासी। भारत की जनसंख्या का 8.6% यानी 10 करोड़ जितना एक बड़ा भूभाग आदिवासियों का है। पुरातन लेखों में आदिवासियों को आस्तविका और वनवासी भी कहा गया। संस्कृत ग्रंथों में महात्मा गांधी ने आदिवासियों को गिरिजन, पहाड़ में रहने वाले लोग कहकर पुकारा था। भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति पद का उपयोग किया गया है। भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायों में बिलाला, धानका, गोड, मुंडा, खड़िया, हो, बोंडो, बिलाला, कोल, कोली, फनात, सहरिया, संथाल, मीणा और उराव, लोहरा, प्राधहीन, बिरहोर, पारधी, आंध्र, प्राकणकार आदि है। भारत में आदिवासियों को प्रायः जनजातीय लोगों के रूप में जाना जाता है। आदिवासी मुख्य रूप से भारतीय राज्यों उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मुख्य बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सिरोही, जालौर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सीकर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बहुसंख्यक है। वह गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में अल्पसंख्यक है, जबकि भारतीय पूर्वोत्तर राज्यों में यह बहुसंख्यक है। जैसे मिजोरम, भारत सरकार की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी है। अनुसूचित जातियों के साथ एक ही श्रेणी अनुसूचित जाति जनजाति में रखा जाता है। बहुत से छोटे आदिवासी समूह आधुनिकीकरण के कारण और पारिस्थितिक पतन के प्रति काफ़ी संवेदनशील है। व्यावसायिक वानिक और गहन कृषि दोनों ही उन जंगलों के लिए विनाशकारी साबित हुए हैं। कई शताब्दियों से आदिवासियों के जीवन यापन का स्रोत रहे हैं। सामान्यतः आदिवासी एबोरिजिनल शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है जिनका उस भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना संबंध रहा हो। परंतु संसार के विभिन्न भूभागों में जहाँ अलग अलग धाराओं में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोग बसे हो, उन विशिष्ट भाग के प्राचीनतम अथवा प्राचीन निवासियों के लिए भी इस शब्द का उपयोग किया जाता है। उदाहरणतः इंडियन अमेरिका के आदिवासी कहे जाते हैं और प्राचीन साहित्यों में तस्यु, निषाद आदि के रूप में जिन विभिन्न प्रजातियों समूह का उल्लेख किया जा गया है उनके वंशज समसामयिक की भारत में आदिवासी माने जाते हैं। आदिवासी के समानार्थी शब्दों में एबोरिजिनल, इंडिजिनस, देशज, मूल निवासी, जनजाति, गिरिजन, बर्बर आदि प्राचीनतम है। इनमें से हर एक शब्द के पीछे सामाजिक व राजनीतिक संदर्भ है।